नहीं था वो, अब हुआ है, अब स्टार्ट हुआ है। अभी स्टार्ट किया मैंने। बात कर रहे थे तुम्हारी गर्लफ्रेंड के बारे में, तो अभी हम ऐसे ही से वैसे ही बात करेंगे, फालतू बात नहीं करनी। गर्लफ्रेंड क्या होती है? With whom you share all your stuff? Feelings. Feelings. He means to all your stuff. तो ये डेफिनेशन लेके चल रही हो तुम अभी जिंदगी में आगे बढ़ रही हो? हाँ जी। ओके सचिंदर, तुम भी एग्री करती हो? नो। अच्छा तुम्हारे लिए क्या है? मैं इस टॉपिक से बाहर हूँ, मेरे लिए ये। आई आल्सो नो नो। गर्लफ्रेंड तो तुम्हारी भी नहीं होगी ऑफ कोर्स, तुम्हारी तो तुम्हारा तो बॉयफ्रेंड होगा। नहीं मेरा बॉयफ्रेंड। आई थिंक यू कैन सजेस्ट अस मोर बेटर। नहीं हम तो इस पर बात, व्हाई नॉट, हम तो इंटरव्यू लेने वाले ना। देखो हमसे सवाल नहीं पूछ सकते तुम, हमसे पूछ ही नहीं सकते तुम। अगर आप बॉयफ्रेंड के बारे में पूछे तब हम बता भी देते आपको, लेकिन अब आप, या फैक्ट है, यू आर टॉकिंग अबाउट गर्लफ्रेंड, तो आपको बताना चाहिए। यही रखना, आवाज आ रही है इसके अंदर ढंग से, तू टेंशन क्या ले रही है? बार बार माइक पकड़ने चाहिए ऐसे वाली, इंडियन आइडल ये चाहिए उसे। ओ यार कूल है ये, सार लाइनर फैल गया। इन्हें लगाती क्यों तुम लोग? पेन लगाती और लगाया नहीं हुआ। सी तुम्हारे तो मांस ना है चेहरे पे, तुम ये क्या दिखा रहे हो? ये ऐसे करके भी तो हड्डी बाहर आ जाती है कई बार तुम्हारे। एक्सक्यूज मी, हां ये तो चार वर्ड इंग्लिश के सीख लिए हैं बहन से अपनी बड़ी, यही रिपीट करती रहती हो। ये क्या बात बनी? ये तुम्हारी बहन को देखा मैंने इंग्लिश बोलते हुए? पढ़े लिखे स्कूल मैं भी ज्वाइन, स्कूल में भी गई हैं, कॉलेज में भी गई हैं, दो डिग्रीज मैं भी लई हैं, दो मैंने सिखाए हैं। पैसे देके बंदा डिग्री खरीदे उसका भी क्या मतलब है? तुसी दो ली हैं? हां अब दो डिग्री ऐसे थोड़ी मिल जाता बंदे को, पैसे देके मिलते हैं। पंजाब बोर्ड से पढ़ी हो ना तुम? सीबीएसई। अच्छा एडमिशन कैसे मिल गई तुम्हारे को? पैसे देके अभी तो बोला। वो तो तुम हमेशा ही देते है ना मेरे पापा के पास बहुत ज्यादा। अच्छा पापा क्या करते हैं? नहीं पापा पे तो चलो, पापा के तो बाद में बात करेंगे, तुम्हारी बात करते हैं। मेरी बात करो या हाँ, तो मतलब पढ़ी लिखी सच में हो? ये क्या कोर्स क्या किया तुमने? यही होता है जब खरीदी हुई डिग्री होती है तो पता नहीं होता। कितना बदतमीज है यार। यही और क्या होता, तुम सोच रही हो ना ऐसी है। वो आपको स्टाइल दिखा रही थी अपना। स्टाइल नहीं दिखा रही थी, वो सोच रही थी कौन सी डिग्री बोलूं, कौन सी डिग्री बोलूं। शट अप, ये सवाल ना पूछ ले। शट अप, दो डिग्रीज है मेरे पास। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे को होम साइंस के बारे में पता है? होम साइंस में क्या पढ़ाते हैं? होम साइंस में हम पढ़ा, टीचर्स जो पढ़ाती हैं वो होती है रिलेटेड टू योर इंटीरियर डेकोरेशंस, ठीक है, रिलेटेड टू कुकिंग, रिलेटेड टू दैट एम्ब्रॉयडरी स्टिचिंग एंड ऑल दैट स्टफ। दिस इज काइंड ऑफ होम साइंस। किससे पूछा तुमने ये, मतलब पहले किसने बताया होगा तुम्हें? तो पढ़ी तो होगी तुम। मैंने यहाँ से पूछा और यहाँ से बोला। अच्छा हम एक्सपेक्ट नहीं करते ऐसा जवाब तुमसे ना। मैं सोच रहा था तुम होम साइंस का मतलब घर पे बैठ के जिसने साइंस पढ़ी हो। ये बहुत बढ़िया, दिखा दो ग्लव्स वहां भी। हाय खुले हो जाने, हाय मेरे छोटे छोटे जे हाथ, हाय रब्बा। ले यार तू क्या, दस दस रुपए के मिल जाते माल रोड पे, वहां से खरीद के आई है और फिर चक्के मार रही है दस रुपए के चक्कर में। छी यार वो कौन सी साइट है? क्लब फैक्ट्री। क्लब, मैंने क्लब फैक्ट्री से मंगवाए हैं ये, डिलीवरी चार्जेस देके दैट टू। बाईस की मार्केट से खरीदे हुए सामान को बोल रही है मंगाया। नहीं यार मैंने क्लब फैक्ट्री से मंगवाया। ये शॉल कहाँ से ली तुम? शॉल ये तिब्बतियन मार्केट से लिया मैंने। 22 रुपए की सोनिया बॉस खरीद के देखा। सोनिया बड़ी सोनी सॉफ्ट है। सोनिया ये क्या बात कर रही है? सोनिया शॉल ते सॉफ्ट आ। सुनता ही नहीं है, मैं क्या करूं अब इसमें? मुझे लगा वो कहते सोनिया बड़ी सॉफ्ट है, मैं कहा ये कैसी बातें कर रही है ये। अभी ना ऊपर जनता डीजे लगा के नाच कर रहे हैं हमें बिल्कुल। और ये भाग, ये भागी वहां से, कहते इसको नहीं भाई वेजिटेरियन, ये तो शुद्ध शाकाहारी है। नहीं थैंक यू, थैंक यू।
तुम कौन सा नाटक देखने के लिए आई थी? बेहद टू। कौन देखता है ये? मैं साक्षी। वेली है तूने? आई लव द शो। बिग बॉस जैसे शो भी देखती है तू? नो। हां आई डोंट हैव टाइम फॉर दैट। तभी तो चिक्के मारते फिर रही होती यहां पे बनी होती है। अरे वो तो चलो कभी कभी स्टार्टिंग में मैंने देखा था, अदरवाइज लक्ष्मी मैं नहीं देखती। लक्ष्मी हां यस। नाम नहीं लेना हो जाते हैं तेरे, मतलब तेरे गुण उससे मैच भी करते हैं? नहीं क्यों, मैं ऐसी नहीं हूं। मैं रियल लाइफ में बहुत फन लविंग। तुम कैसी? वैसी हो? मैं वैसी ही हूँ जैसे आप समझ रहे हो। वैसी मैं मतलब आपकी थिंकिंग नहीं बदल सकती उस केस में। वैसी वैसी मतलब जैसी मर्जी। मैं मुझे ये, कुछ ये नहीं है। अग्रेसिव क्यों होती बार-बार बिना बात? ये मेरा नेचर ऐसे ही। अच्छा, मैं हर किसी गुस्से में ही बात करती हूँ। अच्छा, चाहे वो आप हो चाहे कोई। किसी ने ये जो तुम्हारे मुंह पे इतना ये सूज रखा, भी थप्पड़ मारा किसी ने? समझा? भुखमरी से लग रही है। वो कईयों के ऊपर डिपेंड करता है ना। कईयों के ऊपर डिपेंड नहीं करता, फिर इस हिसाब तुम्हारे लॉजिक से भुखमरी के शिकार है। मैंने खुद को मेंटेन किया। मैं ऐसे नहीं बोल रहा, फेस नहीं है, मोटा नहीं है यार। ये 25 किलो की है तो 50 की होगी, यही फर्क है। नहीं 45 अच्छा तो कितना है, कितना तुम खून को बोलते हैं? ये तो चलो पता ही है। ये तुम्हारे पास केजी है? नो। तो क्या 15.3 क्या होता है यार? इतना नहीं मुझे पता है। तो फिर क्यों बकवास मार रही है उससे? मेरी रिपोर्ट से बताइए। पता कुछ नहीं है। कहती मेरा हीमोग्लोबिन पता कितना है यार? वो होते ना ब्लड सेल्स, पागल है। हां तो क्या उससे वेट क्या लेने वाला? आरबीसीज यू कैन से। अगर तुम फिट हो ना, यू आर हेल्दी। यस, वो बात सही है, लेकिन बंदा फिट तो होना चाहिए उसके लिए। आई एम। विटामिन डी की कमी कैसे होगी यार? वो अलग चीज है। वो अलग चीज कैसे है? वो बहुत ही अलग चीज है। वो मैं बाहर जाना पसंद नहीं ना करती। किसके साथ? किसी के साथ नहीं जाना? किसी के साथ भी? किसी के साथ जाती हूँ। किसी के साथ जाना मैं पसंद नहीं करती। किस टाइम पे? चपेड़ा की कमी है ना। अच्छा, फिर उससे क्या हो जाता है? तो फिर मुझे धूप की कमी होगी थी। तुम्हारे घर पे ऐसे ऊपर छत नहीं है क्या? मैं बाहर ही ना निकलती घर से, प्रॉब्लम ही यही है। निकलती नहीं यार, बड़ी प्रॉब्लम फिर। तो तुम्हारी दवाई मेरे को पता क्या है? क्या? तुम्हें बॉयफ्रेंड चाहिए इस टाइम पे। कॉफी पिला दो, भगवान इतना ही भला करेगा ना तुम्हारा। क्या गाले गेती? तो हो गया ना फिर। स्माइल देख रही हूँ उस लड़की की। स्माइल नहीं, ये रावण वाली हंसी है। दोबारा हंसी। हाँ। दोबारा हंसी एक बारी, ओरिजिनल हंसी। हंसूंगी कोई ना थोड़ी देर तक। फील नहीं ना आ रहा अभी। यार मेरा दिल कर रहा है चाय या कॉफी पीने का यार। उन्होंने मुर्गे दही जाना दही जाना है ना कहती। उन्होंने मुर्गे दही जाना दही जाना। तुझे क्या दिक्कत है मुर्गे से? और चाय चाहिए थी। कोई दिक्कत नहीं है। फिर दया रही मुर्गे पे? मर गया बेचारा। मर तो गया, पर ये जो तुमने घोड़े जैसे बाल कर रखे हैं, इनके इसके पीछे क्या राज है? घोड़े के पूंछ जैसे बाल। मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे बोला था आप तुम कलर करवा लो, तो मैंने करवा लिया। तो बॉयफ्रेंड घोड़ा है क्या तुम्हारा? नहीं, उसे अच्छे लगते हैं ना, तो करवाने पड़ते हैं।
कल को तुम्हारे वाला गंजी हो जाओ फिर, ऐसी नहीं, वो ऐसी डिमांड नहीं रखता, कल को कर देगा। ये डिमांड भी वैसी दिखती है जो तुम्हारे, ये तो है ना, ये डिमांड पहले से ही शौक की मैं कलर करवाऊं, उसने बोला तो आई डिड इट। कलर एक होता है ना सुंदर, इनको क्या समझ आएगा जिनकी कोई गर्लफ्रेंड ही ना हो, तो काटना पड़ेगा। बस बस आया घर बेचारे का उजड़ जाएगा, वो तो ऑलरेडी उजड़ा हुआ है, किन चीज की, ये तो काटना पड़ेगा। हाय बाय यार, ओह मैन दैट वाज कूल, शॉट मार दिया कड़ी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तो क्या हो गया, हर बार मैं थोड़ी बोलूंगा, तुम भी कुछ बोलोगे, मैं मौका देता हूँ बात करने का अपने शो में, ये थोड़ी तो काटना नहीं है उसे, नहीं काटना, ये दिखना चाहिए, ये सब्सक्राइबर्स को पता लगना चाहिए। अरे नहीं पागल है, ऐसी चीजें नहीं दिखाते होते, ये नहीं दिखाना, ऐसे मेरा बंदा बन जाएगा सच्ची में।